पूरी कोशिश नहीं 100% दीजिए। मैं मिथिलेश कुमार आज आपसे बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही खूबसूरत टॉपिक शेयर करने वाले हैं कि अधूरी कोशिश नहीं 100% दीजिए। इसको भी हम एक स्टोरी के माध्यम से, एक कहानी के माध्यम से समझने का कोशिश करेंगे। जंगल के राजा शेर को एक बार इस बात का एहसास हुआ कि उसकी अब उम्र हो चुकी है और उसे अब राजा के पद पर नहीं रहना चाहिए। शेर के इस निर्णय को लेकर जंगल भर में चर्चाएं का दौर आरंभ हो गया। सभी अपने तरह से कयास लगाने लगे। शेर ने कुछ समय बाद घोषणा कर दी कि अब जंगल का राजा बंदर होगा। शेर ने अपने निर्णय के पीछे लॉजिक यह दिया कि बंदर दिन भर जंगल में घूमता रहता है और उसे पूरा जंगल की जानकारी भी है। बंदर इस निर्णय से इतना खुश हुआ कि वह एक दिन जंगल भर में कुत्ता फिरा। खैर, बंदर ने राजा का पद ले लिया और राजा की तरह वह जंगल में घूमना भी लगा। एक दिन एक बकरी हाँपती हुई बंदर के पास आई और उसे कहने लगी, ओ जंगल के राजा, मेरे बच्चों को बचाओ, शेर ने उसे पकड़ लिया है। बंदर के अंदर काफ़ी जोश भर आया और अपने राजा होने के नाते वह बकरी को बोला, तुम मेरे साथ चलो, मैं देखता हूँ यह जंगल में क्या हो रहा है। बंदर जैसे ही घटनास्थल पर पहुंचा, शेर बकरी के बच्चे को अपने पंजों में दबाया था और बस खाने ही वाला था। बकरी दूर से ही खड़ी देख रही थी और बंदर शेर के आसपास के पेड़ों पर लगातार उछल कूद रहा था। वह काफ़ी जोश में भरा हुआ था। कुछ समय बाद बंदर को इस तरह से उछल कूद करते देख बकरी को गुस्सा आ गया। वह बंदर के पास जाकर बोली, राजा आप क्या कर रहे हो, शेर मेरे बच्चे को खा जाएगा, कुछ करिए। बंदर बोला, देखो बकरी, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ, तुम देख नहीं रहे हो, मैं इधर से उधर उछल कूद रहा हूँ और उसे डराने का कोशिश कर रहा हूँ। मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ, इतनी देर में बकरी के बच्चे को शेर ने निगल गया और खा गया। दोस्तों, बंदर ने अपनी क्षमता और योग्यता को आंका था और राजा बन बैठा था। यही नहीं, उसने यह भी कहा कि वह प्रयत्न और पूरी कोशिश कर रहा है, परंतु ऐसे प्रयत्नों के बारे में आप यह भी नहीं कह सकते कि कोशिश करने वालों को हार नहीं होता, बल्कि ऐसे मामले में हार निश्चय ही हो जाएगा जब आप शेर के सामने बंदर राजा बैठ बैठा। यही चीज़ अपने लाइफ में भी होता है, हम लोग के लाइफ में भी होता है। अपने आप को पहचाने। युवा साथी इस बात को स्वीकार जरूर करेंगे कि भले ही हम किसी भी करियर विशेषज्ञ के पास चले जाएं या अनुभवी व्यक्ति से बातचीत करें, व्यक्ति अपनी क्षमता का आकलन स्वयं सबसे बेहतर कर सकता है। आपको कला के क्षेत्र में जाना है परंतु परिवार के दबाव में आप मेडिकल और प्री एग्जाम दे रहे हैं, तब क्या आप स्वयं के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं? आपका दोस्त किसी परीक्षा में पास हो गया है, इसका मतलब यह तो नहीं कि आपका भी पास होना जरूरी है। दरअसल करियर के मुद्दे पर जो आपका दिल कहे, जिस करियर को करने में आप स्वयं भीतर से खुशी महसूस करें, उसका चुनाव करें, वरना जिंदगी भर आपको स्वयं को कोसने के अलावा कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। क्योंकि माना कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होता, बशर्ते कोशिश की दिशा सही होनी चाहिए, अन्यथा कोशिश निरर्थक हो जाता है। तो इस पे आप क्या टिप्पणी करना चाहेंगे, प्लीज़ इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइए। और हमारे चैनल, और आपका ही चैनल है, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं तक। आज के वीडियो के लिए हमारे चैनल बने। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑन चैनल कार्टकुरी.com।